और उस स्कूल में मैंने पहला मुकाबला रेस का जीता था और उसमें मैं फर्स्ट पोजीशन लेकर आया था। मेरे जो दो दोस्त हैं, पता नहीं इस वक्त देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, एक का नाम था अदनान रफ़ी और दूसरे का नाम था मुशाहिद मुमताज। अगर तुम दोनों देख रहे हो तो तुम्हें याद होगा तुम में से एक सेकंड आया था और एक थर्ड आया था और फर्स्ट मैं आया था। ये बात मैं आज इसलिए बता रहा हूं कि आज अपने स्कूल में मेरे बेटे ने रेस में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। अहमद का इस्तकबाल कीजिए, आइए। लाइक फादर लाइक सन, शाबाश। 3 गोल्ड मेडल आज इन्होंने रेस में जीते हैं और अपने बाप को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। अच्छा, अब आप बताइए कि आपने जो मेडल जीते हैं कौन कौन सी रेस में जीते हैं? 100 मीटर की रेस, 110 मीटर हर्डल रेस और रिले रेस, तीनों में गोल्ड मेडल जीते जी। तुम्हारा बाप भी उस वक्त में मौजूद था, तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं। क्यों? बस क्यों नहीं डर लगा? बस नहीं लगा, कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ? नहीं हुआ। अहमद के लिए और इनके लिए इसलिए भी बहुत सारी तालियां हैं, ये यूं खुदा का अतिया है कि ये 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं। माशाल्लाह, करिए जी बहुत सारी तालियां। और अब हम चल रहे हैं